अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जलाल अशफाक। खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हेडफोन की अनबॉक्सिंग। गेमिंग हेडफोन है और उसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि मुझे भी ये नहीं पता था ये हेडफोन है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लिखा नहीं होता ये क्या चीज़ है। तो कुछ टाइम पहले, मतलब 1.5 महीना पहले मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, काफ़ी सारी। उसके बाद जी दो हेडफोन तो मेरे पास आ गए थे, उसकी वीडियो मतलब मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, तो शायद आपने देखी भी हो। तो ये हेडफोन जो है, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कितने हेडफोन वहाँ से मतलब ख़रीदे हैं। काफ़ी सस्ते होते हैं तो मैं दो तीन जो है ख़रीद लेता हूँ। तो उन दोनों दो तीन की जो प्राइस होती है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में ना, यहाँ स्विट्ज़रलैंड में एक अगर आप लें तो उसके बराबर ही प्राइस होती है। फिर मैं समझता हूँ तीन वहाँ से ले लेता हूँ, अगर एक ना भी चला तो एक ख़राब हो गया तो फिर भी मतलब दो मेरे पास होंगे। तो उनमें से जो एक तो सही चल रहा है, ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन वो छोटा है, मेरे ज़रा कान बड़े तो वो इतना मतलब शानदार नहीं है। चलें दोस्तों, जल्दी से जो है मैं आपको इनकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। तो अभी मैंने मतलब ये पैकिंग में आए थे, सही है, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने खोल दिया था इसको, ये सही भारी है, मतलब पता भी लग रहा है सही कोई शानदार किस्म से। तो इनकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, इनकी यूएसबी जो केबल, उसके जरिए भी आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, और ये भी जो है ठीक है, और अगर आप इनको उतारना चाहें तो इसकी भी मतलब टेंशन नहीं, ये सेपरेट है, ठीक है। तो इधर से डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, ये भी दो चीज़ें। तो और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो माइक वाला सिस्टम ये भी काफ़ी बड़ा है, केबल भी काफ़ी बड़ी है, और सबसे बड़ी बात इनका मूव वगैरह भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सॉफ्ट, ठीक है। अभी मैं लिखाता हूँ इनको, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग टेस्टिंग। तो यकीन माने बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे, मैं जल्दी से चेक करता हूँ अगर मोबाइल में चल गए। दोस्तों आपको सच्ची बताऊं तो बहुत ही प्यारी बेस है इनकी, और यकीन माने बहुत ही सॉफ्ट किस्म के। और मुझे सच्ची आपको बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने ही ख़रीदे या किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि ये मेरी हफ्ता पहले ही बर्थडे गुजरी है, तो मुझे लग रहा था किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो खैर ये शायद मैंने ही ख़रीदे क्योंकि ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो विश जो है कंपनी है, ठीक है, चाइना की, आप वहाँ जाएं विज़िट करें, मोबाइल के कवर्स वगैरह जो हैं आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, सस्ते में आपको मिलेंगे और मतलब बड़े प्यारे किस्म के। और मेमोरी कार्ड्स या मोबाइल वगैरह आप वहाँ से ना ख़रीदें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उनकी मतलब बहुत अच्छी नहीं होती, चाइना का माल है ना, आप समझते हैं कि। लेकिन ये माउस हो गया, ठीक है, या फिर मोबाइल के कवर्स वगैरह, मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ, यहाँ काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ, मुझे काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त यूरोप में रहता है तो उसको आप बोलेंगे वो बंदा वहाँ से ख़रीदे, वहाँ से मतलब उनके पास काफ़ी हर किस्म की वैरायटी है, उधर आपको काफ़ी किस्म की वैरायटी मिलेगी और बहुत ही सस्ती किस्म की। और ये ब्लैक डे गुजरा उसमें ना ₹2 में, $2 में मतलब आपको एक एक चीज़ मिली थी, जैसे ये हेडफोन होंगे, उसके अलावा आप कह सकते हैं मैंने तो वहाँ से ड्रोन ख़रीदा था, लेकिन वो मैं एक्चुअली नहीं ख़रीद सका, कुछ मसला हो गया था, वरना मैंने दो तीन ड्रोन जो है मुझे ₹2 में नज़र आए, मैंने जल्दी ख़रीद लिया, मैंने कहा चलें या ना चलें लेकिन ड्रोन तो है ना। तो दोस्तों जो है वीडियो आप काइंडली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, और कोई आपका सवाल है किसी के मतलब भी, मतलब इस गेमिंग हेडफोन के मतलब या फिर विश के मतलब, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।